नवरात्रे के बाद पॉप स्टार पवन सिंह का गाने का इंतजार कर रहे थे, तो भैया इंतजार हो चुका है खत्म। जी हाँ, स्क्रीन पे जो दिखाई पड़ रहा है वो है पॉप स्टार पवन सिंह का नया गाने का पोस्टर। जी हाँ, पॉप स्टार पवन सिंह अब फिर से भोजपुरी में सक्रिय धीरे धीरे होना ही पड़ेगा, क्योंकि चुम्मा जो गाना उन्होंने लेके आए थे बॉलीवुड में वो तो महाफ्लॉप हो गया। जी हाँ, मतलब पहला दिन तो रफ्तार पकड़ा और उसके बाद फिर वो रफ्तार ठंडा हो गया और फिल्म भी कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। तो जाहिर सी बात है भोजपुरी में फिर से सक्रिय होने पड़ेगा, क्योंकि भोजपुरी का ही तो सारा चीज मामला है। तो जी हाँ, पॉप स्टार पवन सिंह का नया गाना और गाने का इंतजार तो हम और आप सभी बेसब्री से करते हैं, क्योंकि पॉप स्टार पवन सिंह मतलब भाई देवी गीत के बाद कुछ तो तड़कता भड़कता मैटर होना चाहिए। शादी विवाह का सीजन आ रहा है, लगन वाला सिचुएशन आ रहा है, तो ऐसे में पॉप स्टार पवन सिंह का पुरनका गाना अगर लगन में बजेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि लगन वाले में पवन सिंह का नया वाला मैटर जरूर होना चाहिए। और इसी के लिए पॉप स्टार पवन सिंह का नया वाला मैटर आ चुका है अपना राजा जी के। जी हाँ, यानी कि ऐसा लग रहा है कि फिर से वही लगन विवाह वाला शादी वाला मैटर, हरी हरी चूड़िया, या आप कह सकते हैं राजा जी के दिलवा टूट जाए। मतलब पवन सिंह ने जो 100 200 300 मिलियन वाला जो गाना दिए है ना, मुझे लग रहा है सेम उसी तरीके से भी ये गाना हो सकता है, क्योंकि पवन स्टार पवन सिंह एकदम कान पकड़ते हुए सॉरी बोलते हुए सानी घोष की तरफ नजर आ रहे हैं, यानी पोस्टर में सॉरी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं ईशानी घोष थोड़ा एटीट्यूड में दिख रही है पोस्टर में। फिलहाल ये पोस्टर काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है और पवन सिंह का सॉरी का अंदाज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। जी हाँ, शुभ लाभ के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर ये गाना रिलीज किया जाएगा, पॉप स्टार पवन सिंह और ईशानी घोष का जबरदस्त तड़का वाला। लेकिन ये गाना कब रिलीज किया जाएगा इसका खुलासा नहीं है, बस ये कमिंग सून का पोस्टर है। तो मेरे हिसाब से कल से परसों तक इसका टीजर आ जाएगा और एक दो दिन में इसका वीडियो भी आ जाएगा। फिलहाल पोस्टर देखे, एंजॉय करिए, कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।